हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखा था, आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको दो चीजें सिखाई हैं कि अगर हमें फंक्शन की पावर में फंक्शन दिया जाए इस तरीके से, फंक्शन की पावर में फंक्शन, ठीक है, फंक्शन एफ की पावर में जी दिया हो, तो अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन हो तो उसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि आप लॉग ले लो ई बेस पे, लॉग को तो बेस की तो उसको अपन ln कह देते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं ln y is equal to ln of rhs, ln of rhs लेंगे तो ln of f की पावर में g है, ये g नीचे उतर के आ जाएगा तो g into ln of f करेंगे, ये f of x है ये g of x है। अब आप यहां पे आराम से प्रोडक्ट को लगा के कर दो, ये सिंपल तरीका होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने का। एक और तरीका होता है जिसको मैं मेथड नंबर 2 कहता हूं, ठीक है, मेथड नंबर 2 वो ज्यादा अच्छी लगती है आपके। अगर y is equal to e f to the power g दिया हुआ है, f to the power g जो है क्या सीखा था मैंने, किसी भी आइटम को अपन क्या लिख सकते हैं e की पावर में लॉग आएगा, तो y को हम लोग क्या लिख सकते हैं e टू द पावर ln ऑफ आइटम, या ये वाला जो f की पावर g, इसको मैं आइटम बोल, f की पावर में g आएगा और ये g नीचे उतर के आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी। तो अब ये e की पावर में थीटा बन चुका है, e की पावर में थीटा का डिफरेंशिएशन हमें आता है, क्या होता है e की पावर में थीटा का डिफरेंशिएशन e की पावर में थीटा इनटू थीटा डैश कर सकते हो। दो तरीके मैंने आपको सिखाए थे, इन दोनों में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, जीन बनकर आपने सॉल्व किया होगा तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको ताकि प्रैक्टिस हो जाए। मैं अच्छा देखो, जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं स्पॉट बना देता हूँ, ये हम देखिए यहाँ पर लाइट नजर आ रही है तो उस वजह से दिखेगा नहीं, तो आई विल कीप इट इन माइंड कि मैं वहां पे ना लिखूं, बाकी तो ठीक है। क्वेश्चन लिखो, टू की पावर में देखो y इक्वल्स 2 to the power log of something based on something here, x to the power में 2x plus tangent of pi x by 4 to power pi 4 by pi x 4 upon pi x then dy by dx at x is equal to 1. वन पे आपको डिवाइड बाय डीएक्स बताना है, फोर्थ ऑप्शन इज नॉट डिफाइंड। करो करो करो, मैं तो नहीं समझ, देखो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, तो आपको डराने की कोशिश करिए, क्योंकि पावर में लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस टू, ये बेस लॉग का और ये नंबर दोनों सेम, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट के बराबर। तो ये चीज क्या लिख रही है, y is equal to x to the power 2x, सही है, वो तो डराने के लिए आपको दिया हुआ है, लॉग की प्रॉपर्टी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी। दूसरा फंक्शन की पावर फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट करूं, उसको लिख देते हैं अपन e की पावर फॉर्म में, ना देखिए कैसे लिखेंगे,
तो इसको आइटम बोला, ये आइटम तो क्या बन जाएगा, e की पावर में ln आइटम। किसी भी आइटम को आप e की पावर में ln आइटम बोल सकते हो, मतलब ये चीज बन जाएगा tangent of pi x by 4 to the power 4 by 5x, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा जो पावर है पीछे आपके मल्टीप्लाई करते तो क्यों ना मैं 4 अपॉन पाई एक्स को यहां पर लेता, 4 अपॉन पाई एक्स को मैं यहां पर ले लेता हूं, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन चालू करेंगे, अभी तो फंक्शन को अपन ने थोड़ा सा सुंदर बनाया है, डिफरेंशिएशन चालू करेंगे तो y डैश कितना आ जाएगा, ये देखिए ये लिखा हुआ है x टू द पावर 2x। अच्छा इसको भी अपन लिख सकते थे उस फॉर्म में, लिख दूं क्या डायरेक्ट x की पावर में 2x था, x की पावर में 2x, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर, y इक्वल्स टू, इस आइटम को लिख सकते हैं e की पावर में ln आइटम, मतलब ln ऑफ x की पावर में 2x, तो 2x पीछे आके ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चालू करते हैं डिफरेंशिएशन, शांति से करना डिफरेंशिएशन, उसको सिंपलीफाई मत करते रहते हैं, सिंपलीफाई करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो इधर क्या करेंगे, e की पावर में थीटा लिखा हुआ है, e की पावर में थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर में थीटा इटसेल्फ, तो e की पावर में 2x into ln x, फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ऊपर, थीटा पे डेरिवेटिव, ये तो अपने को याद होगा ना कि e की पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है e की पावर में थीटा इटसेल्फ, e की पावर में कुछ भी उसका डेरिवेटिव वही का वही हो जाता है, e की पावर में लफड़ा हो तो e की पावर में लफड़ा ही आ जाएगा उसका डेरिवेटिव, बस बाद में अपने को ये थीटा का डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा। तो e की पावर में मसाला, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर मसाला e टू मसाला डैश, मतलब ये जो ऊपर पावर है इसका डेरिवेटिव, तो पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln x प्लस ln x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, सिंपलीफाई मत करना, जैसे ही अपने पास y डैश का एक्सप्रेशन आ जाएगा तुरंत अपन y = 1 फायर कर देंगे, सिंपलीफाई करना ही नहीं अपने, टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्लस ये हो गया इसको भूल जाओ, इधर आ यहां पे देखिए क्या लिखा, e टू द पावर थीटा, e टू द पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, e टू द पावर थीटा इटसेल्फ, तो e टू, अच्छा चलो ठीक है, तो इट्स ln ऑफ tan ऑफ पाई x / 4, ठीक है यही का यही आ जाएगा, फिर इनटू थीटा डैश, अब देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बारी-बारी से करना पड़ेगा शांति से, ये आसान नहीं है। आई बिलीव यहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसको चेंज करें, ठीक देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln ऑफ tan x, ln ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 बाय tan ऑफ नॉट x स्क्वायर tan ऑफ पाई x / 4, ठीक है, फिर tan का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, sec स्क्वायर पाई x / 4, और कुछ करना पड़ेगा, पाई एक्स बाय फोर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक्स है तो कांस्टेंट है पाई बाय फोर, तो पाई एक्स बाय फोर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, पाई बाय फोर इट्स, पाई बाय फोर इट्स, ठीक है। अच्छा खत्म नहीं हुआ है, अपन ने अभी इसको छोड़ दिया था और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अब इसको छोड़ेंगे और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है कर दूंगा, चल मेरे ख्याल से अभी भी दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है विजिबिलिटी इज ओके, देख बस अब ln वाले टर्म को अपन छोड़ देंगे, ln ऑफ tan ऑफ पाई एक्स बाय फोर इसको छोड़ दिया और उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको 4 बाय पाई अपॉन x, तो 4 बाय पाई तो कांस्टेंट, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा डिफरेंशिएशन, और 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, याद होना चाहिए 1 बाय एक्स का होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन आया आपके पास किस चीज का, डिफरेंशिएशन का y डैश, आपने को निकाला y डैश x = 1 पे 1 पुट कर देते, ठीक है तो 1 पुट कर देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, पुट करो x = 1, किसी का आंसर आया तो ये आ जाएगा, देखो यहां पे तो नहीं है, ln 1 कितना होता है 0, e टू द पावर 0 1, यहां पे ये x और x कट गया 2 तो रहेगा ही, और यहां पे ln 1 कितना हो जाएगा 0, बस इधर आ जाएंगे
यहाँ पर रखो आप एक्स रहेगा वन, शांति से देखो इधर क्या रखेंगे, वन रखेंगे तो टेन ऑफ 45 कितना होता है 1, और log 1 कितना होता है 0, ये की पावर में 0 आ रहे हैं मतलब 1 इधर आ जाएंगे। अच्छा सुन, ये पाई और ये पाई कटेगा, ये 4 और ये 4 कटेगा, अरे यार गलत कलम बोल रहा हूं, ये वाला तो सेट के अंदर। अब रखो x = 1, यहां पे 1 रखेंगे कुछ फर्क पड़ेगा, ये तो 1 ही रहेगा, फिर tan ऑफ 45 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इसको भी भूल जाओ। secant स्क्वायर पाई बाय 4, secant ऑफ 45 कितना होता है √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो यहां पर क्या है 1 2 प्लस इधर देखेंगे ln ऑफ, यहां पर अपन रखेंगे अगर x = 1 है ना, ln ऑफ 1 आ जाएगा क्योंकि tan पाई बाय 4 मतलब 1, और ln ऑफ 1 0, और 0 इनटू ये पूरा आइटम 0 हो जाएगा। बस ऐसे शांति से करना होता है, और आंसर क्या आएगा, थैंक यू, y डैश इज इक्वल टू, y डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 0 मतलब 2 इनटू 1 2, उधर भी आएगा 2 प्लस 2 दैट इज 4, फोर ऑप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट सर हम अभी लॉगरिथमिक अलग करते हैं, जब एग्जाम में आएगा वो सब मिक्स हो जाएगा, नहीं अलग अलग ही आता है मोस्टली, कभी कभार मिक्स होके आता है, बिल्कुल आता है, आईआईटी के एग्जाम में आ जाता है मिक्स होकर, बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है, लेकिन अलग अलग भी आता है, आप अलग अलग से एग्जाम हो तो मिक्स अलग खुद से करो, ठीक है, इसको लिख लो, मैं थोड़ा फ्रेम से हट जाता हूँ। कोई डाउट पूछेगा ना तो बोल के मत पूछना बस, बाकी आप लोग समझदार एक बार देख लेना, एक वीक तो अपन कर लेंगे मैनेज, लेकिन फिर वो लोग आगे निकल जाएंगे जिस पॉइंट, 3 दिन तक तो दोनों का बराबर है, आप सोच कर रखिएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, वो ऑनलाइन भी चलेगा ऐसा कुछ, उसका वो रिकॉर्डिंग सर रिकॉर्डिंग दे दीजिए, एवरीथिंग दे दीजिए सर, जैसा ठीक लगे, बट मैं चाहता हूँ कि लाइव मतलब लाइव टेंशन खत्म हो जाता है, रिकॉर्डिंग में फिर क्या होता है, फिर जब आपको जितना इधर हो वो चीज हम देख लेंगे। अच्छा जितने भी बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं अभी मतलब लाइव देख रहे हैं, यहाँ पे जाके बोलना जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है, अगर आवाज में इको आ रहा है या फिर क्लियर नहीं है तो बताइए, मैं माइक भी लगा सकता हूँ, लेकिन फिर माइक से मैं ज्यादा चल नहीं पाऊंगा, बहुत बड़ा माइक है, टाइप करके बताना पड़ेगा, एकदम क्लियर है तो अच्छी बात है, लेकिन क्लियर नहीं है तो मुझे बता दो, क्लियर है, अरे यार ये तो मत, मुझे समझ में नहीं आता, इतनी दूर से पता नहीं कैसे क्लियर है, माइक इसका पकड़ रहा है, इसका पकड़ रहा है, अच्छी बात है, इसमें माइक होगा नहीं, तो सिर्फ विजुअल होना चाहिए, ये मैं आपको होमवर्क कर देता हूँ, मैंने आज सुबह भी ये होमवर्क कर दिया, आपको भी होमवर्क कर ही दूंगा, देखो y = √x की पावर √x, y equals root x in power root x, it was given into e to the power x square, ये दिया हुआ है, अब आपको बोला है find y dash of 1, y dash of 1 निकालना है, ये आप लोग खुद से करेंगे, आप देखो दो भयानक से फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिए गए, ठीक है, दो बड़े बड़े फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिए गए, हाँ तो आपको करके देखो क्या देखते हैं,
पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स. Okay, then find the slope of the line. Then find the slope of the line perpendicular to the tangent, perpendicular to the tangent on the graph of y is equal to f of x. The graph of y is equal to f of x at x is equal to 1. पहले तो एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा. शांति से पढ़ो इसको. सुनो क्या लिखा है इसमें. हाँ जी, इसके पहले आपने कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी है? ऑनलाइन किए? मैं समझा नहीं क्या. ऑनलाइन क्लासेस किया था. इसका किया था डिफरेंशिएशन. लिमिट्स पूरा किया था, वो भी आ गया. थोड़ा सा किया था, थोड़ा सा रह गया. दिक्कत जाएगी फिर ऐसे में. ऐसे में तो समझ में नहीं आएगा. चार लेक्चर है इसके एमओडी के, चारों अपलोडेड करके आ जाओ. चारों अभी फिफ्थ है आपका. अच्छा पकड़ में आ जाएगा. इसमें लिमिट्स का इतना ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, तो अपन काम चला सकते हैं. ठीक है, इतना दुखी क्यों? पहली बार आया इसका. आप पिछले बार नहीं आए थे जब ऑनलाइन क्लास चालू हुई थी? ठीक है, कोई बात नहीं. इसके चार लेक्चर आप अटेंड करो, अदरवाइज ये वाली चीजें समझ में नहीं आएगी. तो ये वाला किया किसी ने? वेट किसका कर रहा है? आंसर चाहिए इसका. fx ये है, then find the slope of the line perpendicular to the tangent of the graph. इसका कुछ ग्राफ होगा, है ना? इसका कुछ ग्राफ होगा. इस पर एक पॉइंट होगा ग्राफ पे, x is equal to 1. जब x is equal to 1 होगा तो y कुछ ना कुछ होगा, आपको नहीं पता. उस पर एक टेंजेंट बना होगा, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन है, उसका स्लोप निकालना है. मतलब नॉर्मल का स्लोप निकालना है. टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलता है? dy by dx, dy by dx निकाल देंगे, उस पर पॉइंट रख देंगे, तो आपको इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा. टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का स्लोप तो ऐसे कैसे? नेगेटिव इनवर्स. तो मतलब आपको बेसिकली करना क्या है, यू वांट टू फाइंड dy by dx और उस पे x = 1 रख देना. तो dy by dx कैसे निकालेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए बारी बारी से. इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से. ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पाई स्क्वायर है. पाई स्क्वायर मतलब कांस्टेंट. बेवकूफ बना रहा है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो वैसे भी 0 होगा. फिर यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा. एनीवन, 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x into ln into. वेरी गुड, 2 की पावर x into ln into. फिर अगला देखेंगे x स्क्वायर. x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो बहुत इजी, 2x बचेगा x की पावर में 1/x. फंक्शन की पावर में फंक्शन. देखो अपन ये फंक्शन की पावर में फंक्शन को e की पावर में ln of x की पावर 1/x लिख सकते हैं, और ये 1/x इधर आ जाएगा. अब तक तो समझ में आ गया होगा ना कि क्या करते हैं. इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो गड़बड़ है. आगे मैं बहुत फास्ट करूं. e की पावर में थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर में थीटा इटसेल्फ इनटू थीटा का डेरिवेटिव. तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ ln x प्लस ln x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x. 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x स्क्वायर. ये हमारा आंसर आ चुका है. इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश मत करना. सिंपलीफाई करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. क्या गड़बड़ होगी? टाइम वेस्ट. अब इसमें आप पुट कर दो x = 1. जैसे ही x की जगह 1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा dy / dx at x = 1. dy / dx at x = 1. ठीक है, तो दुनिया में जहां जाए x वहां 1 रखेंगे.
टू की पावर में बल कितना हो जाएगा टू, और टू इंटू एल इंटू कितना हो जाएगा टू एल इंटू, दिस इज टू एल इंटू बाहर में जो भी हो वन बन जाए, अंदर देखते यहाँ पे वन बाय एक्स इंटू वन बाय एक्स, तो दोनों जगह वन वन डालेंगे तो भी वन आएगा, फिर यहाँ पे ln of 1 कितना होता है जीरो, so this thing will become 2 ln 2, 2 ln 2 को क्या मैं ln 4 लिखूंगा तो आप रोने लग जाओगे, आ रहा सर क्या कह रहे हो, प्लस 2 और 1 प्लस 0 मतलब 1, 1 into 1 मतलब 1, तो 2 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास slope of tangent, slope of tangent at x is equal to 1, ठीक है x is equal to 1 पर tangent का slope हमारे पास आ चुका है, तो अगर tangent का slope हमारे पास आ गई है 2 plus 1 को directly आप चाहो तो 3 लिख दो, चलो मैं एक step और लिख देता हूँ, slope of tangent is ln of 4 plus 3, तो क्या slope of normal नहीं निकाल दोगे आप, आराम से निकाल दोगे, slope of normal क्या हो जाएगा इसका negative inverse, तो इसका पहले उल्टा कर दो, slope of normal क्या होगा इसका उल्टा कर दिया ln of 4 plus 3 और इनवर्स करके नेगेटिव चुपके से लगाओ, अच्छे का दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा आंसर होगा नहीं तो सिंपलीफाई करना पड़ेगा, इनपुट का क्या पहले पूछा था, हां वो नहीं होगा ऑप्शन में मिल जाएगा चिंता मत करो, अच्छा अब एक और चीज शॉर्ट नोट लिख लीजिए, छोटा सा नोट, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि फर्स्ट फ्लोर में अपनी क्लास करते हैं, सेकंड फ्लोर में क्या बहुत ऊंचा लग रहा है, मुझे लग रहा मेरी हाइट कम, अच्छा देखो एक छोटा सा नोट, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव, derivative of x to the power x with respect to x, ये आप निकाल सकते हो बड़ा आराम से, क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद रख लो, याद नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट अगर याद होता है तो काफी फायदा है, देखो इसका derivative होता है x to the power x into 1 plus ln of x, कैसे आया करके देखो, है ना आपको चाहिए तो देखो अपन क्या करेंगे, इसको बोल देंगे x की power x e to the power ln of x to the power x, और ये पावर में जो x आएगा वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर में थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर में थीटा इटसेल्फ, ठीक है e की पावर में थीटा इटसेल्फ इनटू फिर फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ ln x, ठीक है प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब ln x का डेरिवेटिव बना जाएगा, this thing will become e to the power x into ln of x into 1 plus ln of x, ठीक है, अच्छा आपको मैंने बताया था ना ये जो ये वाला आइटम है बाहर वाला, इसको आप दोबारा फंक्शन के बराबर लिख सकते हैं, याद है x की पावर x, ये बहुत मुश्किल से खोपड़ी में घुसता है ना, बच्चे समझ ही नहीं पाते कि सर कैसे, हर बार पूछेंगे हर क्वेश्चन में पूछेंगे सर इसको ये कैसे लिखते हैं, ये जो x की पावर x था उसको अपन ने ऐसे लिखा है, उसको दोबारा ऐसे नहीं लिख सकते, इसको अपन ने ये लिखा है इसको दोबारा यही लिखेंगे ना, यही चीज तो लिखे हुए हैं, तो इसको किस काम में करना है सर, किस हां नहीं होगा तो क्यों बताता है यार, इससे मुद्दा थोड़ी है, इसका काम है या फिर इसका, इसका नहीं सर, ये वाला x की पावर है, नहीं आपने जो पूरा किया है तो हां इसको याद रखो, बहुत फ्रीक्वेंटली आपको क्वेश्चन जो मिलेगा बार बार मिलेगा x की पावर x, ठीक है याद रख लोगे तो फायदा है, नहीं याद रखोगे तो बार बार प्रूव करके देखना पड़ेगा, x की पावर x इनटू 1 प्लस ln of x या जाएगा हमारा आंसर, यह टाइटल पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन,
पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन वेरी इजी, बहुत ज्यादा आसान है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या हो जाता है? पहली बात तो हमको कुछ समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। क्या आपको पता है पैरामीट्रिक पॉइंट अपने सर्कल में पड़ा? कोई दिक्कत आए तो बता देना, जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं पता नहीं कैसे आ रही है, बता रही है। सुबह मैंने बेकार को माइक लगा रखा। देखो सर्कल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन जो सबसे सस्ती वाली इक्वेशन होती है वो ये होती है, सेंटर 0 0 पर और रेडियस हो जाएगा a। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन ये भी होती है और सर्कल की इक्वेशन ये भी होती है, x is equal to a cos theta, comma y is equal to a sin theta। अभी आप बोलोगे कि सर ये इक्वेशन थोड़ी है, तो पॉइंट्स हो गए x का वैल्यू और y का वैल्यू, इक्वेशन ही होता है ये, लेकिन ये अलग तरीके से लिखने का, ये इक्वेशन को लिखने का तरीका अलग होता है। जनरली अपन ऐसे कॉमा लगाए, तो इस तरीके को अपन बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व, ठीक है। x is equal to a cos theta, y is equal to a sin theta, ठीक है। तो सर्कल तो ये भी है, सर्कल तो ये भी है, दोनों सेम सर्कल है, दोनों का सेंटर आएगा 0 0 पे और इसका रेडियस आएगा a। अच्छा तो कई बार क्या होता है कि हमको अगर कर्व ऐसा दे दिया जाए, ये कर्व दे दिया, तो अपन आराम से डिफरेंशिएट कर देंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर उसने ये ना देते हुए ये दे दिया तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक तरीका तो ये कि आपको मैंने सिखाया था क्या कि पैरामीटर जो होता है उसको एलिमिनेट कर दो और उसके बाद कर्व आ जाता है, लेकिन पैरामीटर एलिमिनेट करना हर बार इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। पैरामीटर एलिमिनेट करना हर बार इजी नहीं होता है, कभी कभार हमको मेहनत लग जाती है। तो वैसे केसेस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वैसे केसेस में हमको क्या करेंगे बताता हूँ। पहले तो ये समझो, ये जो x है ये खुद एक थीटा का फंक्शन है और y जो है वो खुद एक थीटा का फंक्शन है, तो x किसी और का फंक्शन है, y किसी और का फंक्शन है, और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आ रहा है समझ में? आपको y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है। अभी y जो है वो किसी और का फंक्शन है, x किसी और का फंक्शन है, तो कैसे निकालना है? y किसका फंक्शन है? थीटा का। y थीटा का फंक्शन है, आपको ये गिवन है, ये थोड़ी गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा y किसका फंक्शन? थीटा का। तो y चाहेगा कि उसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो, क्योंकि वो थीटा का फंक्शन है, और x भी थीटा का फंक्शन है, तो x भी चाहेगा कि भाई हमारा डिफरेंशिएशन भी थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। तो दोनों चाहेंगे कि हमारा डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में। तो मैं आपको ना पहले कहानी बता देता हूँ, लिखना मतलब मैं लिखवा दूंगा कि कभी कभी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि y is some function of t as well as x is also some other function of t, और आपको निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या करते हैं पता है? दोनों t के फंक्शन है, तो दोनों चाहेंगे कि हमको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए। तो हम लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, ऊपर dy लिखा है, नीचे dx लिखा है, तो ऊपर और नीचे अपन दोनों dt से डिवाइड कर देंगे। सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हो आप, दोनों जगह 2 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, तो dt से भी कर सकते हो। dt से डिवाइड करेंगे तो अब ये कुछ मीनिंगफुल हो जाएगा। अब ये मीनिंगफुल कैसे हो गया? अब ये बन गया dy / dt, मतलब y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, और ये क्या हो गया? x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन दिया जाए तो आप क्या करो, y का डिफरेंशिएशन निकाल लो t के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन निकाल लो t के रिस्पेक्ट में, दोनों को डिवाइड कर लो, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, इतना ही करना है। इसको अपन चेन रूल कहते हैं, मतलब चेन रूल जैसा है, ठीक है। मैं आपको चेन रूल की तरह से बता नहीं रहा हूँ, अगर बताऊंगा तो भी समझ में आ जाएगा। देखो कैसे dy / dx है ना, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, ये थोड़ा दूसरा तरीका है सोचने, dy / dx, ये dx को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ये t का फंक्शन है, ये t का फंक्शन है, दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना है, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि dt और dt से दोनों जगह ऊपर और नीचे डिवाइड करें, dt और dt से। ये चेन रूल में ऐसे ही करते थे ना, ठीक है। हालांकि इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं और आपको उसका लोड भी नहीं, आप तरीका ये देख लो कि हाँ यार दोनों t के फंक्शन है, तो दोनों चाहेंगे कि dt dt आ जाए, तो हम दोनों को यहाँ पर dt और dt को मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो अभी dy by dt और ये dt by dx जब नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो वो dx by dt हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वैसे अपन सोच सकते, बाकी सिंपल सा तरीका है कि इसको इसको भी y t के रिस्पेक्ट में करो, इसको भी t के रिस्पेक्ट में करो, दोनों को डिवाइड करो, तो अलग अलग करके दिखाऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो इन सम केसेस, अभी यहाँ लिखेंगे अपन इन सम केसेस, नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो पहले, इन सम केसेस कर्व्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर पैरामीट्रिक इक्वेशंस, कर्व्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर पैरामीट्रिक इक्वेशंस। Like equations, ये handle भी नहीं कर सकते, मैं दिनों से control Z की आदत हो गई। Example, y is equal to a sin t, a cos t, हाँ sin t सही है, and x is equal to a cos t. That is, y is some function of t, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बताएं, and x is also some other function of t. अब जो मैंने मिटा दिया था जल्दी से बोलिए, therefore dy by dx अपन कैसे लिखेंगे, dy by dx क्या आता है, dy by dt upon dx by dt. dy by dt अपन निकाल सकते हैं, dx by dt भी अपन निकाल सकते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो पूरी फील आ जाएगी। सर पार्डन, अच्छा कुछ समझ में नहीं आया क्या, थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा आपको क्या मतलब, व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन। अच्छा पहली बार मैंने कुछ लिखा नहीं है बोर्ड, पहली बार डिक्लेयर कराया दो साल में, हाँ लेकिन चलो मैं पीडीएफ पहुंचा दूंगा ना, एक क्वेश्चन करता हूँ उसको छोड़ सकते। देखो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इफ फाइंड, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड derivative of y with respect to x if y is equal to, मुझे देखना पड़ेगा, a cos t plus t sin t, a times cos t plus t sin t, एंड अच्छा ये एक्स है ना, इसको चेंज कर दो, माय मिस्टेक, एंड एक्स ये दिया हो और वाई आपको ये दिया हुआ है, ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, x आपको t के टर्म्स में दिया है, y भी t के टर्म्स में दिया है, करो देखो मैं बता देता हूं ना, एक तो बता ही देता हूं, सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आएगा कि क्या हम पैरामीटर को एलिमिनेट करके फंक्शन निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे कितना खतरनाक फंक्शन है, आप चाह कर भी इसको एलिमिनेट नहीं कर पाओ, कर सकते हैं ऐसे पीछे पड़ गए तो कर भी देंगे, लेकिन उतने में अपना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको निकालना है dy by dx और x भी t का फंक्शन y भी t का फंक्शन, तो dy by dx कैसे निकालेंगे,
dy by dx निकालने का सिंपल तरीका है कि आप ऊपर जो y है उसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और डिफरेंट दोनों को डिवाइड करो। तो dy by dt, पहले dy by dt निकाल लेते हैं। देखो dy by dt कैसे निकालेंगे, ये y है, बाहर a है, a को बाहर रहने दो क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, अंदर आते हैं। sin t को अलग से करेंगे और t cos t को अलग से करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे। sin t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t। वो इस तरफ से लिखना पड़ेगा, ये नहीं स्पाइडर मैन में तो उल्टा लिख लेते। मैं क्या बता रहा था आपको, dy by dt फिर माइनस t cos t। t cos t मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अभी देखना ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन पहले प्रोडक्ट रूल लगा रहे थे, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा है ना। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos t, cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin t प्लस। अभी सेकंड फंक्शन जो है उसको छोड़ो और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, दैट इज t। t का डिफरेंशिएशन होता है 1 के बराबर। ओके तो ये हो गया dy by dt, वेरी नाइस। इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे देखो क्या हो जाएगा, a टाइम्स अंदर आ रहा है cos t, और देखना ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस t sin t प्लस ये जो ब्रैकेट खुलेगा, एक और ब्रैकेट लगेगा, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस cos t ऐसा बनेगा, ये प्लस cos t और माइनस cos t कटेगा। तो ऊपर क्या आ रहा है, a t sin t, a t sin t, ये आ गया dy by dt। अब मैंने dy by dt निकाला, अब dx by dt निकाल के बताओ। dx by dt ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो f देखते हैं, a cos t लिखा हुआ है, a cos t मतलब क्या हो जाएगा, a into cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, ठीक है, यहां पे आ जाओ, प्लस t sin t, खुद से करो, पूरा खुद से करो, ठीक है, बोर्ड में एज मिनिमम एज पॉसिबल देखो, अगर t sin t मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin t, फिर sin t को छोड़ देंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज 1, ऐसा आ जाएगा। अब इसको अपन खोल देते हैं, अब इसको खोल देंगे, क्या आ जाएगा, क्या आ रहा है, dx by dt क्या हो जाएगा, a t cos t, ये a और t, a और t कट जाएगा, तो बचेगा क्या, sin t by cos t, that is tan t। तो अपन dy by dx, अभी देखो सुन के कितना अजीब लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किया अपन ने, वहां से t के टर्म्स में आया, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन y का किया x के रिस्पेक्ट में, आंसर आया t के टर्म, करने की कोई बात, पैरामीटर रेटी है वो तो आई है, ऐसे थोड़ी पीछे छोड़ देना। आपको क्वेश्चन में अगर कोई पॉइंट गिवन रहेगा, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको x और y नहीं देगा, बहुत रेयरली ऐसा होता है, आपको x = 1 y = 1 नहीं देगा, वो बोलेगा कि डिफरेंशिएट करो एट t = समथिंग, जैसे कि इसका डेरिवेटिव आपसे हो सकता है कि ऐसा बोल दिया जाए कि t = π/4 पे डिफरेंशिएट करो, t = π/4 पे, तो आप क्या करोगे, जहां-जहां t है वहां पे π/4 रखो, तो अपना आंसर 1 आ जाएगा। अच्छा पहला क्वेश्चन तो सर समझ में आया आपको, पच्चीस तारीख से पहले
थोड़ा लाइट्स की प्रॉब्लम है आज पहले दिन, तो भाई करो यार ऐसा, बड़ी मुश्किल से वो सेट हुआ है। ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। 380 upon 1 plus TQ ट्राइपॉड को छेड़ दे, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे को। और y equals हो जाएगा 380 square upon 1 plus TQ। अपनी क्लास कितने बजे चल रही थी? 7:30 आपको dy/dx निकालना। तो dy/dx निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, dy/dx निकालने के लिए we will find dy/dt। तो dy/dx निकालेंगे हम कैसे, dy/dt upon dx/dt। ठीक है, तो पहले y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ। तो y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में देखो, यहाँ पे u/v रूल निकाल लेते हैं, तो ये को बाहर निकाल देते और u/v रूल लगाएंगे, क्या आ जाएगा 1 plus t cube। जल्दी करेंगे तो आप होल स्क्वायर इनटू 1 plus t cube। यू बाय वी रूल याद है ना सबको अच्छे से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वी स्क्वायर ऊपर क्या होता है, वी डैश माइनस यू डैश, तो ये वी स्क्वायर लिखा फिर वी लिखा। अब यू डैश लिखना है मतलब ऊपर वाला फंक्शन क्या है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2t माइनस फिर टी स्क्वायर लिखेंगे और 3t2 इसका डेरिवेटिव। मैं ये डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने किया है पास को। तो dy/dt हमारे पास क्या आएगा, 3a into 2t plus 2t power 4 minus 3t power 4 upon 1 plus t cube का होल स्क्वायर। इसी का आंसर है तो बता। तो काफी अच्छी हुई है एक भूकंप के बाद से, दोबारा मत देना किलो सर और अच्छी बात। तो ये इनपुट अबे क्या हो जाएगा, 2t minus t की पावर में 4 upon 1 plus t cube का होल स्क्वायर। ओके, देखने में काफी बियर्ड है लेकिन ये dy/dt है। अब आपको dx/dt भी निकालना पड़ेगा, dx/dt निकाल देते हैं। dx/dt क्या आ जाएगा, देखो उधर अपन चेन रूल बोल रहा हूँ, u/v रूल लगाएंगे, 3a को तो बाहर रहने दो, बचेगा क्या, t upon 1 plus t cube, मतलब 1 plus t cube सो सेम आएगा का होल स्क्वायर, सेम नहीं आएगा, अलग अलग 1 t square
ठीक है देखते हैं, ऊपर क्या है t, उसका डेरिवेटिव होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनली ये ऐसा बन जाएगा 1 plus t cube minus 3 t cube will be 2 t cube upon 1 plus t cube. ये आगे dx by dt सबका आ रहा है, t cube t common 2 minus t cube. चिंता मत करो, आपको बोल दिया जाएगा कि dy by dx at t is equal to something, ठीक है। तो जब मैं किसको डिवाइड करूंगा इससे, तो क्या क्या कटेगा उसका ध्यान रखते हैं। बहुत नीचे हो जा रहा है, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा। देखो जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 3a और 3a कट गया, इसका डिनोमिनेटर और उसका डिनोमिनेटर भी कट गया, इसका न्यूमिनेटर ऊपर आएगा, that is 2t minus t to the power 4, और इसका न्यूमरेटर जो है वो यहां पर आएगा 1 minus 2t cube. This will be the final answer. देखने में काफी अजीब, लेकिन आपको बोल दिया जाएगा कि at t is equal to something, बोल दिया मान लो t is equal to 1, तो यहां पे 1 रखना, 2 मतलब 2 रखना, ठीक है। वो तो अपन पहले भी रख सकते थे, इसको कॉपी कर लो, इसमें एक बार चेक कर लो पूरी कैलकुलेशन आपको। अब अगला वाला आप लोग खुद से करेंगे। अच्छा मैं ये वाला भी मिटा रहा हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा, सब तो रिकॉर्डिंग देख रहा है तो पॉज कर देना। रिकॉर्डिंग बोलो, लाइव रिकॉर्डिंग बोलो, लाइव वालों में तो लिख ही दिया होगा। अगला दिया हमको x is equal to a sec square theta, a sec square theta, और y is equal to a tan square theta, आपको निकालना है dy by dx, dy by dx, ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिस। अभी तक अपन ने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देख लिए। dy by dx निकालेंगे हम, क्या करेंगे dy by dt निकालेंगे, तो dy by dx ये हो जाएगा dy by d theta और dx by d theta, नाउ को समझिए, ये मतलब पैरामीटर यहां पे वो थीटा है, तो y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में ये आ गया, a tan square थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, tan square थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 tan theta, ठीक है। फिर tan theta का करेंगे तो कितना आ जाएगा sec square theta, यहां पे आ जाएगा a sec square theta, a को भूल जाओ, sec square का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 sec theta, लफड़ा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 लफड़ा होता है, फिर 2 sec theta सॉरी into sec theta का डेरिवेटिव हो जाएगा sec theta into tan theta, ठीक है। ये देखो एक बार दो बार sec और ऊपर भी दो बार sec, एक बार tan 2 और 2 a और a सब कट कट के 1 हो गए, तो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। ज्यादा आसान क्वेश्चन था, एक और देखते हैं, दिस इज आल्सो गुड। देखो x इज इक्वल टू a इनटू अंडर रूट ऑफ cos 2t इनटू cos t, ये दिया हुआ है हमें x, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू a इनटू अंडर रूट ऑफ cos 2t into sin t, आपको निकालना है find dy by dx at x is equal to pi by 6,
फाइंड डीवाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स. चार ऑप्शन भी दिए लेकिन आप सॉल्व करने स्टार्ट करो ऑप्शन का देखो ऑप्शन दे ही इसमें नहीं दी सर सिर्फ अंडर रूट ऑफ कॉस 2 के उतना ही अंडर रूट में पूरा है नहीं अंडर रूट पूरा बनाता ना मैं पूरा होता है आधा बनाया ये बाहर है अंडर रूट करो 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 सॉल्व करो वेट मत करो आदत बिगड़ेगी आपको खुद से करो प्रोडक्ट रूट लगाओ यू विल यू विल डैश प्लस बी डैश याद रखो रूट मसाला का डेरिवेटिव होता है 1 by 2 root मसाला. तो root cos 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 by 2 root cos 2t. ये सब छोटे छोटे डेरिवेटिव आपको याद होने चाहिए. देखो सबसे पहले मैं निकालूंगा dy by dt. dy by dt क्या आ जाएगा वहां पर अपन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे शांति से. देखना a ये तो भूल जाए दो फंक्शन है f और g या uv. uv क्या होता है uv dash plus v dash मतलब फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड. फर्स्ट फंक्शन मतलब उसको छोड़ो और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos t प्लस a बाहर रहेगा. अब इस बार साइन टी को छोड़ देंगे साइन टी को इस बार छोड़ देंगे तो किसका डेरिवेटिव आ जाएगा रूट कॉस टी का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. रूट मसाला का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by 2 रूट मसाला 1 by 2 टाइम्स रूट ऑफ मसाला. फिर मसाले का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. मसाला क्या है जो भी रूट के अंदर है वो मसाला. कॉस 2 टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन 2 टी. यहां लिख रहा हूं माइनस साइन 2 टी और ये 2 टी का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. ये क्या हो जाएगा 2 2 टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 2. तो ये लिखा हुआ है हमारे सामने ठीक है. दिस इज dy / dt. मेरी बात सुनना ध्यान. आप क्या कर सकते हो पाई / 6 t का वैल्यू यहीं पे रख सकते हो. यहीं पे रख दो ना डिवाइड करोगे फिर रखोगे उससे अच्छा पहले वैल्यू रख दो फिर डिवाइड कर देना. यहां पर पाई / 6 रख दे. पाई / 6 मतलब कितना डिग्री होता है 30 डिग्री रखते हैं टाइम्स अंडर रूट ऑफ 30 यहां रखो कितना आ जाएगा 60. cos 60 कितना होता है हाफ. तो ये 1 बाय रूट 2 बन जाएगा 1 बाय ऊपर डेरिवेटिव 1 बाय 1 बाय 2 का अंडर रूट 1 बाय रूट 2. फिर यहां पे अपन रखेंगे क्या 30 डिग्री. cos 30 कितना होता है रूट 3 बाय 2 तो रूट 3 बाय 2 तो रूट 3 बाय 2 रूट 2 आ गया है प्लस और ये माइनस है. अच्छा ये वाला 2 और ये वाला 2 कटे है ना. अच्छा साइन 30 कितना होता है हाफ. साइन 60 कितना होता है रूट 3 बाय 2. यहां पर रख देते हैं रूट 3 बाय 2 और यहां पर क्या रखेंगे अपन कॉस ऑफ 60. कॉस 60 कितना होता है हाफ और हाफ का अंडर रूट मतलब 1 बाय रूट 2. 1 बाय रूट 2 डिनोमिनेटर में ऊपर उचक के जाएगा तो रूट 2 बाय 1 हो जाएगा. रूट 2 बाय 1 बन जाएगा. बहुत बढ़िया. ये भी dy by dt का वैल्यू आ गया पाई बाय 6 में. हम dx by dt का इसके बाद निकालेंगे. इसको सिंपलीफाई करते हैं. ये वाला रूट 2 और ये वाला 2 जो कटेगा तो नीचे रूट 2 आ जाएगा. रूट 3 by 2 रूट 2 रूट 3 by 2 रूट 2 और बीच में माइनस क्या आ जाएगा आंसर 0. dy by dt का वैल्यू 0 आ गया तो क्या आप dx by dt निकालने की जरूरत है नहीं वो 0 नहीं आएगा वरना तो 0 by 0 बन जाएगा. तो dy by dt का वैल्यू जो आ गया दैट इज 0. साइड चेंज करने से ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ गया अपने पास 0. अब dx / dt कुछ भी हो अपने को क्या मतलब ठीक. मैं जस्ट आपके क्यूरियोसिटी के लिए बता देता हूं दैट इज a root 3 / 2 निकालने की जरूरत थी
जब न्यूमरेटर ही जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर तो कुछ भी हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन x is equal to cos t plus t sin t, रुकना नहीं, cos t plus t sin t, माइनस t square by 2 cos t, माइनस t square by 2 cos t, और y is equal to sin t minus t cos t, माइनस टी स्क्वायर बाई टू साइन टी, कर पाओ? आपको निकालना है फाइन डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाय फोर, चार ऑप्शन दिया आपको, पहला ऑप्शन है वन, दूसरा ऑप्शन है माइनस वन बाय रूट थ्री, तीसरा ऑप्शन है वन बाय रूट थ्री, सॉरी माइनस टू प्लस टू, और लास्ट ऑप्शन इज माइनस वन। सर टी कोस मतलब टी माइनस साइन टी ये सब सब हमने सर टी कोस टी का अगर डिफरेंशिएट करना सिखा दो प्रोडक्ट रूल से, तो पहले तो डी वाई बाई डी टी निकाल लेता हूँ, बहुत आराम से निकल आएगा, sin t का डेरिवेटिव हो जाएगा cos t माइनस t cos t फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड मतलब cos t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin t, और एक बाहर माइनस है पहले से तो वो प्लस बन जाएगा, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया इस बार, याद रखना एक बाहर माइनस है वो अगले वाले का भी साइन चेंज करेगा, कायदे से यहां पे प्लस होना चाहिए था लेकिन क्योंकि बाहर माइनस है तो वो उसको माइनस कर देगा, इतना स्पीड तो अपन मेंटेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए हम cos t इनटू t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन, ठीक है, बस यहाँ पे प्लस आना चाहिए था क्योंकि बाहर माइनस होता उसको उसने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे आते t स्क्वायर बाय 2 sin t, तो t स्क्वायर बाय 2 तो यहाँ पे हाफ को आप भूल जाइए, t स्क्वायर sin t का डेरिवेटिव निकालना है, कैसे निकालेंगे देखते हैं, t स्क्वायर का डेरिवेटिव t स्क्वायर इनटू sin t का डेरिवेटिव cos t प्लस अभी sin t को छोड़ दो इनटू t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, इज दैट ओके, बड़ी काफी बड़ा सा डिफरेंशिएशन आया, इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश तो कर सकते हैं, देखो यहां पे है cos t प्लस t sin t, ओ cos t और ये भी माइनस cos t आएगा, क्यों मैं इसको पहले ही काट दूं, और यहां पर रहेगा t sin t, तो dy by dt हो जाएगा t sin t माइनस प्लस 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 माइनस, देखो बीच में भी माइनस ये वाला तो कट गया ना, ये पूरा माइनस cos t और प्लस cos t कट गया, हाफ इनटू t स्क्वायर बाय 2 cos t, फिर माइनस प्लस माइनस वो 2t है बाहर तो ये वाला 2 और वो वाला 2 कटेगा तो t sin t रह जाएगा, ठीक है, अब देखो ये t sin t और ये t sin t भी कट रहा है, बचेगा क्या माइनस t स्क्वायर बाय 2 cos t, आ रहा है इसमें ये dy by dt, तो dx by dt भी अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे dx by dt, इसी तरीके से निकालेंगे, सो इसका माइनस t से ऊपर 2 sin t आएगा, देखते हैं उसमें, हां ऐसा लग रहा है, पिछले वाले एग्जांपल में जैसे फर्स्ट एज साइन, अच्छी बात सही लग रहा है, बीच में यहां पर अपन प्रोडक्ट बोल रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin t प्लस sin t को छोड़ देंगे और t का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, ठीक है, माइनस t स्क्वायर बाय 2, अब ये हाफ को अपन बाहर cos function into differentiation of cos t, cos t का derivative आ जाएगा minus sin t plus
cos t into ऊपर वाला क्या t square का derivative हो जाएगा 2t। product rule लगा रहा हूँ मैं इसमें, ज़्यादा समझाऊँगा नहीं आपको, मैंने बहुत कुछ किया है product rule के हिसाब से। minus sin t और plus sin t कैंसिल हो जाएगा, t cos t यहाँ से आएगा, t cos t minus t square by 2 minus minus plus sin t, तो minus plus minus 2t cos t, ठीक है? t cos t, ये half ही तो आया है, तो t cos t और minus t cos t कट दो, तो हमारे पास बचेगा minus नहीं plus t square by 2 sin t, ये किसका वैल्यू आया है? d by dx by dt, बस इसके बाद अपन बदले नहीं, समझ लो। आप चाहो तो यहीं पर रख सकते हो पाइवट को, और यहाँ पे भी पाइवट को रख सकते हो, या तो डिवाइड करते रहते हो। तो पहले अपन क्या करें, नीचे नहीं लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ, हम लोग क्या करेंगे, ओके डीवाई बाय डीएक्स क्या होता है, डीवाई बाय डीटी मतलब माइनस टी स्क्वायर कॉस टी, माइनस टी स्क्वायर बाय 2 इनटू कॉस टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर बाय 2 साइन टी, ठीक है? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कॉस टी बाय साइन टी कितना होता है, कॉट ऑफ टी, और उसमें आपको पाई बाय 4 रखना है टी का वैल्यू, तो कॉट ऑफ पाई बाय 4 कितना होता है, माइनस 1, आंसर आ जाएगा माइनस 1। ऊपर भी थोड़ा सा ब्लॉक हो गया, कॉट पाई बाय 4 याद नहीं, टैन पाई बाय 4 तो याद हो गया, याद रखा देखते हैं। ये बहुत सिंपल है, y is equal to a sin cube t और x is equal to a cos cube t, ठीक है? आपको निकालना है dy by dx at x is equal to, dy by dx at t is equal to 5/3। देखते हैं 60 सेकंड्स में हो जाएगा, देखो dy by dt निकाल देते हैं, dy by dt और फिर dx by dt भी निकालते हैं, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपने को dy by dx मिलेगा। तो dy by dt आ जाएगा a times 3 sin square t into cos t, और नीचे लिखेंगे अपन a इनटू 3 cos square t इनटू cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin t, एक कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, फिर देखिए इधर से एक sin t और एक sin t कट जाएगा, एक cos t और एक cos t कट जाएगा, ऊपर एक sin बचा, नीचे एक cos बचा, फाइनली अपना आंसर क्या हो जाएगा, dy by dx sin by cos होता है tan, और एक नेगेटिव भी है उसको भूल मत जाना, और यहाँ पे अपने को x is equal to pi by 3 रखना, pi by 3 मतलब 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है root 3, root 3 का भी नेगेटिव, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस, ठीक है? और कब टाइम लगना चाहिए तो अगला टॉपिक लिखने की, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, ये समझ में आया ना? अगला टॉपिक लिखने की, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। अब देखना, सुनने में काफी काफी अजीब लगे, हम लोगों ने क्या बोला है आजकल कि किसी भी फंक्शन का, जैसे कि हमारे पास चलो डेरिवेटिव्स,
ऑफ इट्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ इट्स. हम लोगों ने क्या समझा, जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू sin x, अगर मैं आपको बोलता हूं कि sin x का डेरिवेटिव बताइए तो आप बता दोगे क्या? बताओ cos x. आपने ये नहीं पूछा किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको पता है अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो x के रिस्पेक्ट में करेगी, x का फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में करेगी, सही बात है. अच्छा लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि sin x का डेरिवेटिव आप निकालिए विद रिस्पेक्ट टू cos x, आप सुनने में काफी अजीब लगेगा. क्या बात है, sin x का डिफरेंशिएशन निकालना है, अब x के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, अब cos x के रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे? देखो हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा y is equal to some function of x, ठीक है, और एक और फंक्शन गिवन होगा हमारे पास z is equal to some other function of x. अब आपको बोल रहा है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ which is f of x with respect to g of x, मतलब derivative of f of x with respect to g of x. पहले अपन क्या करते थे, derivative of f of x with respect to x किया करते थे, है ना, क्योंकि x का function था. लेकिन अब अपन उल्टा कर रहे हैं, function का derivative function के respect में निकाल रहे हैं, ठीक है, function का derivative function के respect में निकाल रहे हैं. चलिए काम तो फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या करेंगे बेटा, क्या करना चाहिए? अच्छा ये f of x किसका फंक्शन है, x का, तो ये चाहेगा कि मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए क्योंकि वो x का फंक्शन है. और ये g of x किसका फंक्शन है, ये भी x का, ये भी चाहेगा कि मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए. तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वही चेन रूल वाला फंडा लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ f of x और डिफरेंशिएशन ऑफ with respect to g of x, हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे dx और dx से डिवाइड कर देंगे ताकि यह थोड़ा मीनिंगफुल दिखे. fx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, gx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, तब डेरिवेटिव ऑफ f(x) with respect to g of x अपने आप आ जाएगा. वैसे ही पैरामीट्रिक जैसे ही फील हो रहा है, एकदम वही तो हुई है, पैरामीट्रिक नहीं है, मतलब दीज कर्व्स आर नॉट पैरामीट्रिक फॉर्म, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं गिवन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो क्या करना है आपको, इसका समरी ये है कि इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और दोनों को डिवाइड कर दो. अरे बस एक क्वेश्चन तो करेंगे, तो ये चीज लिख लो, बेटर इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, मतलब एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, एक क्वेश्चन करेंगे लास्ट आज का, मॉर्निंग में भी इतना ही हुआ. डेरिवेटिव ऑफ ln x to the power tan x with respect to x to the power x. इसका डेरिवेटिव आपको x के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना, x to the power x के रिस्पेक्ट में निकालना. तो इसको आप थोड़ी देर के लिए f of x बोल दो, इसको थोड़ी देर के लिए g of x बोल दो, और आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ f of x with respect to g of x. तो हम f of x का डेरिवेटिव निकाल देते हैं पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर g of x का डेरिवेटिव निकाल देते हैं x के रिस्पेक्ट में, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं. एक जादू बताऊं, इसका डेरिवेटिव अपने को याद है, याद तो क्या होता है, x की पावर x हमारे
उस तो यार तो भूल जाओगे तो क्या करोगे, क्या गारंटी याद रहेगी? कोई गारंटी नहीं, कोई भी भूल सकता है, मैं भी भूल सकता हूँ, कोई बड़ी बात थोड़ी है यार। प्रूफ मतलब प्रूफ थोड़ी था उसका, डिफरेंशिएशन ही था वो, क्वेश्चन है अपने आप में, एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा आपको इस टाइप। ऊपर वाले को करते डिफरेंशिएशन, देखो क्या लिखा है, ln की पावर में tan, कैसे करूंगा इसको, e की पावर में ln x की पावर में, सुनो इसको पहले बोलो आइटम में, है ना, आपको शांति मिले। क्या लिखेंगे, e की पावर में ln ऑफ आइटम, आइटम की जगह ये पूरा डाल देंगे, ln ऑफ x की पावर में tan x, log के आर्गुमेंट के पावर में जो भी होता है वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो tan x पीछे आ जाता है, तो थोड़ा ठीक लगा देखो, tan x ln ऑफ ln x बराबर कर लेंगे हम, देखो कैसे करेंगे, e की पावर में tan x ln ऑफ ln x ये हमारा आंसर है। अगर इसमें कोई पॉइंट गिवन होगा ना, पॉइंट गिवन नहीं है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, अभी देखो मैंने आपको कैसे कहा था, देखो ये क्या होता है, द फंक्शन इटसेल्फ ln की पावर में tan x, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ x की पावर में tan x, और अंदर क्या आ रहा है ध्यान से देखेंगे, खास नहीं बनेगा यहाँ पर पॉइंट गिवन नहीं, पॉइंट गिवन होता है तो ज्यादा अच्छा है, कोई बात नहीं, सो परफेक्टली फाइन, जो भी आंसर आ रहा है लेट इट बी दिस, अभी नीचे दिख रहा होगा कि इतना नीचे जा नहीं रहा ना कैमरा, कैमरा इतना नीचे नहीं जा रहा, तो कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात, इसको ज्यादा सिंपलीफाई अपन करेंगे नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत कम चांसेस है कि ऐसा ही पूछा था, dfx/dgx ये नहीं पूछेगा, आपको बोलेगा एट सम पॉइंट, वो पॉइंट दे देगा x = 1 2 3 कुछ भी दे देगा, अच्छा सा पॉइंट वो आपको डालना रहेगा, तो फटाफट आंसर आ जाएगा, इसको यही पे रखो, सिंपलीफाई करना हो कर लेंगे, मान लो ऑप्शन में सिंपलीफाइड वर्जन होगा तो उसको भी कर लेंगे, बट आपको पॉइंट गिवन हो, तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, एकदम मॉर्निंग के बराबर है आपका, बाकी कल अपन चालू करेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट से। अच्छा आपका डाउट जो रहेगा होमवर्क जो रहेगा मॉड्यूल दिल में आपको करना है मॉड्यूल बेसिक क्लास क्वेश्चन नंबर 75 से डिफरेंशिएशन को याद नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं क्या करना है, व्हाट्सएप करना तो भूल जाता हूं, मॉड्यूल में क्या करना है आपको, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करके टॉपिक है ना, आप पेजेस पलटोगे डिफरेंशिएबिलिटी के मॉड्यूल में, लॉग डिफरेंशिएशन करके होगा, उसमें 75 से चालू होता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, तो आपको है ना 98 तक सॉल्व करना है, जहां से भी वो चालू होता है स्टार्टिंग पॉइंट से 98 तक सॉल्व करना है, तो आज की आज करना है, करो करो हो जाएगा, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है, उसी में है लॉगरिथमिक में सारा है, एक मिनट ठीक है, तो बच्चों ऑनलाइन सेशन भी मैं खत्म कर रहा हूँ, बाय एवरीवन, थैंक यू।